हेलो, इट्स अ सेकेंड पार्ट ऑफ लेक्चर 20 एंड इसमें हम लोग टायर फिनिश करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स सी. तो हम लोगों ने रिम का पोर्शन बना लिया है. ओके, आज हम लोग पूरा टायर फिनिश करेंगे एज इट इज. ठीक है, अंदर के पोर्शन से जैसा दिख रहा है अभी, बाहर के पोर्शन से जैसा दिख रहा है ठीक है. ठीक है, रिम फिनिश हो गया था, टायर फिनिश करेंगे. ठीक है, और मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा टाइम देकर बनाओ. तो आपके पास ज़्यादा टाइम है चीज़ों को बनाने का. ठीक है, ओके. तो अभी सॉफ्टवेयर पे आते हैं. तो ये रहा अपना री जो हमने बनाया. ठीक है, सेलेक्ट करते हैं, मॉडिफाई, सेंटर पे हो, यहाँ पे कंट्रोल जी, ग्रुप में भी डाल दिए, यानी इसको रीनेम भी कर देते हैं री. ठीक है, मेश टूल, ये बाहर सेलेक्ट, कन्वर्ट सिलेक्शन, इन दो चीज़ों को मैं बाहर रखता हूँ. ठीक है, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं अब टेरिंग टायर मॉडलिंग. ठीक है, यहाँ तक आई होप किसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. ठीक है, अभी क्या आगे बनाते हैं. ओके, तो रेफरेंस में कर लेते हैं अब. ओके, कुछ सेक्शन बाहर है तो पूरे को सेलेक्ट करो, ऐड सेलेक्टेड, रेफरेंस में हो गया. ओके, यहाँ से एक सिलेंडर लेते हैं, रोटेट करते हैं इसको 90. ये ठीक है, रेफरेंस इमेज ये था जो कि रिंग का था, ये बन चुका है. ठीक है, अभी मैं दूसरा इमेज ले रहा हूँ, व्यू इमेज प्लेन इम्पोर्ट इमेज. ठीक है, ये पेन इसको मैं साइड कर रहा हूँ बिकॉज सिर्फ देखने के लिए मैंने दिया इसे. और ऐड सेलेक्टेड रेफरेंस लेयर. ठीक है, ओके, तो ये मैंने देखने के लिए लिया कि इसको टायर कैसे बनाना है. तो अगर आप नोटिस करो तो वो रिम से इतना हाइट पे है ये. ठीक है, एक्चुअली इतना है. ओके, अब इसमें आते हैं एंड कैप. ठीक है, कम टू वर्टेक्स, टू फेस एंड डिलीट. हमारे पास क्या बचा, ये टॉप सी से यहाँ पे लेकर आते हैं रिंग के अंदर. जैसा, ठीक है, डबल क्लिक कैन इट साइड बी डबल क्लिक. ठीक है, बाहर की तरफ ऐसे स्केल करेंगे. ठीक है, एंड बिकॉज इसका हाइट बहुत ज्यादा है तो इतना पतला नहीं होगा, ये एटलीस्ट इतना जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइट. तो अगर ये इतना गया विड्थ में तो इसका मतलब क्या होता है, पहले तो इसे एक लेयर में लेते हैं, इसे हाइट कर देते हैं इस. ओ सॉरी, यहाँ से लेयर कहाँ गया, रिंग सेलेक्ट करते हैं, ऑन करते हैं, ये यहाँ पे आएगा कुछ ऐसा. ठीक, ये
अब जो ये पोर्शन है ना, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, टायर के अकॉर्डिंग। तो अभी ये वहां पे करते हैं, टॉप एंगल से फेस में आएंगे, सेलेक्ट किया वन और यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा थ्री, ठीक है, और वापस से रेफरेंस में चल गया। ओके, अभी वापस इससे काम करने के लिए। तो रेफरेंस में अगर देखे तो यहाँ से ये थोड़ा सा बेंड है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये देखो, ये कॉर्नर उठा और बीच में गोला सा है। जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है मैं अभी आपको दिखा दूंगी। इंसर्ट एज एग्जैक्ट सेंटर पे ही, ठीक है, इसको ऐसे सेंटर पे लेते हैं एंड इस व्यू से देखो थोड़ा यहाँ पे एंड कुछ यू ऐसे बड़ा किया उसने ये, ठीक है, एक दो कंट्रोल वी, फ्रैक्शन को कम करो ये, ठीक है, डब्ल्यू। जब आप थ्री प्रेस करोगे तो आपको कुछ ऐसा टायर दिख रहा है, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, वो क्या है मैं अभी दिखाता हूँ। जब हम लोग इस दोनों एजेस को वेबल कर रहे थे तो फ्रैक्शन को इतना पे रखो ये, ठीक है, और एक सेगमेंट भी ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा, साइड में एक ऐसा ये लिख रहा है, ये लाइन ये आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे एक हार्ड एजेस है, ठीक है, ओके। देन इंसर्ट एज, यहाँ पे एक लाइन कुछ ऐसा इंसर्ट एज, इस डायरेक्शन में भी वो लाइन डालना है, बट आपको मैच यहाँ से कराना है। मीन्स मैं यहाँ पे लाइन डालूंगा बट इससे मेजर करूंगा कि अगर मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ तो फ्रंट व्यू में देख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा 19 चलेगा, स्केल किया हमने, इसको भी स्केल किया, ये देखो यहाँ पे फीचर ऐसा है कुछ, ठीक है। स्केल कर दिया, ठीक है, आपसे ये दिखाई दे रहा है, आपको ये पोर्शन यहाँ पे क्रिएट करना, ठीक है, टायर का इस रिम और इसके बीच में गैप है, ठीक है, उस गैप को क्रिएट करना है, कैसे वो भी देखते हैं। यहाँ पे हमें एक लाइन और देनी है, इंसर्ट एज यहाँ पे,
कुछ ऐसा ओके अब यहाँ पे एक लाइन और इंसर्ट है, इतना गैप पे ये क्यों अभी आपको पता चल जाएगा। स्केल कर दिया, अब जो आप फिल करेंगे ये जो आपको यहाँ गैप दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा करना है, मतलब स्केल किया बाहर की तरफ इतना। अभी फॉर एग्जांपल ये आपका एक टायर हुआ है, ठीक है, इसमें यहाँ पे वैसे ब्लॉकिंग बाकी है जो कि बाद में करेंगे, क्यों बाद में करेंगे हम लोग वो भी देखते हैं। एडिट डिलीट ऑल द टाइप हिस्ट्री फाइल सेव सीन एज, ठीक है, कंट्रोल डी मैंने एक साइड किया, ओ इसको मैं ऊपर करता हूँ, एक नए लेयर में हाइट से करता हूँ वन। यहाँ पे मेज कंबाइन हो इस ऑब्जेक्ट में स्मूथ ये किया, तो इस पे मैं इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज सर मैं सी इसके बीच से जो लाइन है ना ये लाने मुझे, ठीक है, देखो अभी ये लाइन बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब इतना का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो कोशिश करेंगे कि वन पे करें, तो डब्ल्यू अब यहाँ पे सीन क्या है ना कि आपको डिजाइन के लिए क्या करना है, सबसे टॉप नॉच ये है, ठीक है, फेस में आते हैं, फेस पे एक तो मैंने हाइड करके रखा, सी लाइन ऐसे आया, ठीक है, मतलब ये ऊपर है और ये नीचे है, तो एज में आइए, सेलेक्ट किया लॉन्ग लाइन, फिर बी कन्वर्ट टू वर्टेक्स,
ब्रश होल्ड करके इसको ऐसे ड्रैग करना है, बी को होल्ड करके, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा, अब जब मैं स्केल करूँ तो देखो ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। बी को ऑफ किया मैं, एज पे आया, डबल क्लिक, ठीक है। आपको इसको ऐसे सर्कल की तरफ थोड़ा सा रोटेट करना है, तो आपको वो शेप आएगा जो टायर में, ठीक है। देखो ऐसे, इससे आपका रोटेशन ऐसे जो आपने रोटेट किया उससे कुछ भी खराब नहीं होता, आपका प्रॉपर शेप हो ऐसे ही है, ठीक है। और बीच में जो हमें कट लाना है ना ये वाले डिजाइन के लिए, उसके लिए हमें ये करना पड़ा, ठीक है। अब एज में आते हैं, डबल क्लिक, कंट्रोल बी, फ्रैक्शन और कम करते हैं, बस डब्ल्यू, ठीक है, क्योंकि मुझको इसके बीच में भी कट डालना है। डबल क्लिक, कंट्रोल बी सी, ठीक है। जब हम थ्री करेंगे तो भी ये वैसा ही है, चीजें कुछ भी खराब नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। वन, तो यहाँ पे जो है फिर से हम लोग इस डिजाइन को देखते हैं, ठीक है। एकदम यहाँ से लाइन और ये इसके बीच बीच में, ठीक है। तो डबल क्लिक, आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, इसको स्मूथ भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि मेक स्मूथ, तो आपको ये प्रोपोर्शनली लाइन बढ़ जाता है, ठीक है। बट इसमें बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा लाइंस भी ऐड होता है जिसकी जरूरत नहीं होती है, तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। कंट्रोल बी एंड एक, तो कंट्रोल डी, ठीक है। अभी देखो, अब डिजाइन के अकॉर्डिंग, तो पहले इसको भी कर लेते हैं, कंट्रोल बी। अभी बैक टू डिजाइन, फेस 1 2 3 4 5, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ना, ये डिजाइन अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं, ठीक है। और अंदर की तरफ से फर्क ये पड़ता है कि पहले तो आपका फेस वाला पोर्शन यहाँ पे है, रोटेट करके उसको सेंटर पे ले आए, देखो तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है अगर आपको टॉप पे है तो, ठीक है। एक्सट्रूड डब्ल्यू ऐसे स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ही, ठीक है। क्योंकि जब आप थ्री करें तो आपको एक ऐसा दाग दिखे जो टायर में होता है, ठीक है। तो इससे और भी कम करते हैं, मीन्स ये बहुत ही ज्यादा हो गया। लाइक दैट्स इट, ठीक है। ओके, ये साइड का हो गया। और एक इससे, तो इसके बीच में से छोटा सा इधर है, तो उसके लिए क्या करना है, इंसर्ट इस काम गया भाई। ओके, तो सेंटर में एक लाइन देनी है,
कंट्रोल करना है एंड कंट्रोल बी। ठीक है, वन मोर थिंग, आपको कोई करना है, ये लाइन पूरा है नीचे तक। ठीक है, तो अगर ये लाइन इतना आता है तो इसमें भी आप दो इंसर्ट एज, यहाँ पे बीच में एक जोड़ लेंगे हम लोग, और एक यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है मल्टी कट, ये जो मैंने पहले ही बताया था, ये एंड डब्ल्यू जुड़ गया, तो एक थ्री चेक कर लो, वो जुड़ गया। ठीक है, ऐड हो गया दोनों। देन अगेन मल्टी कट, एक दो एंड डब्ल्यू, देखो यहाँ पे वो प्रॉपर नहीं जुड़ा, सी अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे एंड टारगेट वेरी। ठीक है, ये रहा टारगेट। ठीक है, ओके, तो एज को सेलेक्ट किया डब्ल्यू, कंट्रोल बी, ये। ठीक है, अब जब ये मैंने कंट्रोल बी किया ना, तो आपको यहाँ पे अगर आप देखो, कंट्रोल बी और फ्रैक्शन बढ़ाया, तो ये ऐसे अप एंड डाउन हो रहा है और इसको हमें ठीक करना है। ठीक है, तो एक ऑप्शन है उसको ठीक करने का, दूसरा आप उसके अलावा और क्या कर सकते हो, जैसे ये लाइन है ना, मैं पूरा पीछे जा रहा थोड़ा, इंसर्ट एज और एक इतना इसे करीब लाइन दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और एक यहाँ पे, ठीक देन इसको ऐड कैसे करना है, मैंने आपको अभी बताया ही था, मल्टी कट वर्टेक्स टू वर्टेक्स एंड डब्ल्यू। ठीक है, वर्टेक्स टू वर्टेक्स डब्ल्यू एंड थ्री पेस करके देख लो कि वो प्रॉपर ज्वाइन हुआ है कि नहीं, तो फिर आपको टारगेट वेल्ड करना पड़ेगा। अभी जो शेप हमें मिला है ना, कम टू फेस एक एंड ये दो। ठीक है, एक्सो डब्ल्यू थोड़ा नीचे स्लाइटली एंड डब्ल्यू एंड थ्री, ये देखो। ठीक है, बट ये ऐसा हो रहा है बिकॉज इसको ब्लॉकिंग चाहिए। ठीक है, देन कम टू इंसर्ट एज, ए एंड दो डब्ल्यू थ्री, ये देखो जैसा उधर लाइन है वैसा लाइन हमें मिल गया। ठीक है, एक ब्लॉकिंग इस पे भी चाहिए एक्चुअली, इस लाइन को रोकने के लिए। सो इंसर्ट एज एंड आइए वेट अ सेकेंड, बट वो फिर भी चला जाएगा, तो इसको इतना पे रख सकते हैं। और ओके, काफी स्मूथ लाइन है, तो हम भी वही करेंगे।
अब जो मैंने प्रीवियसली मैंने सेम टेक्निक से टायर बनाया था, अगर आपको याद हो तो वही चीज अभी हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप हटा भी सकते हैं और यहाँ पे एक लाइन ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक लाइन ऐड कर रहा हूँ। एक यहाँ पे ये अभी मल्टी कट, डब्ल्यू, ठीक है। नाउ सेव एंड डिलीट एंड डिलीट, ठीक। अभी आपको करना बहुत ही सिंपल चीज है जो मैंने पहले ही बताया था। मैं इमेज को ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ा कंट्रोल डी एंड रोटेट करके इसको लेवल तक लाना है ऐसा, तो हम इसे आगे मैच कर अपन, ठीक है। ये दो मैच दो मिल जा रहा है कुछ ऐसा, जगह पे दो लाइन आ रहा है, ठीक है, बट चलेगा बिकॉज वही चीजें आगे रिपीट होने वाली है, ठीक है। वापस रेफरेंस में देख लेते हैं, दो लाइंस नहीं है। डिलीट, पीछे आते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और इस लेवल से इसको थोड़ा डिलीट करेंगे। अभी सेम चीज कंट्रोल डी यहाँ पे लग जाएगी। अभी प्रॉपर एक लाइन हो गया, ठीक है। एंड कंट्रोल डी ओहो कंट्रोल डी शिफ्ट डी, ठीक है। एक कंट्रोल डी के बाद आप सिर्फ शिफ्ट प्लस डी करो, रिपीट होगा वो, जहां ओवरलैप किया उसको थोड़ा मैच कराना होगा कि आपके पास सेम डिजाइन का टायर हो गया, ठीक है। ये जो आपको बीच में ऐसा लाइंस दिख रहे हैं ना, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब आप इसको मर्ज करोगे प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब बीच में एक ओवरलैप किया उससे मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, अब इसको मैच कैसे कराना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप इन सबको ऐसे सेलेक्ट कीजिए
एडिट टीवी टर्बो टाइप हिस्ट्री फाइल सेव कर रहा हूँ, मेश कॉम्बाइन मॉडिफाई सेंटर कीबोर्ड, ओके कम टू वर्टेक्स, सबको ऐसे मैंने सेलेक्ट किया है एंड ये मैंने पहले ही बताया है एडिट मेश में मर्ज से एंड सेटिंग को ओपन करते हैं, ठीक है। ओके तो कहाँ गया भाई एडिट मेश, ओके मुझको वो भी देखना हो रहा है बिकॉज मैं दो दो मॉनिटर यूज कर रहा हूँ, तो ओके ये रहा मर्ज एंड मंथली सेंटर मर्ज, ओके तो अभी जो मर्ज से मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हुआ सेटिंग, ठीक है। अभी जो थ्रेशोल्ड है ना इसको थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा, ये 10 है ना 16 एंड इंटर, ठीक है। कंट्रोल जेड टेन पे इंटर किया डब्ल्यू और ये देखो लाइन थोड़ा थोड़ा गया और थोड़ा थोड़ा रह गया है, जहां जहां रह गया मीन्स वहां का एड नहीं हुआ है, ठीक है। ओके वहां पे एक बार पुश एंड पुल टूल चलाना होगा, ये देखो ये ओपन है खुला है ये एड हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये सारे ओपन वर्टेक्स हैं, अगेन वर्टेक्स में जाएंगे क्लिक किया वन मोर ओ मैं तो कर रहा हूँ थर्टी एंटर एंड डब्ल्यू और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है सपोज वो नहीं हो रहा है स्टिल, तो आपके पास एक और शॉर्टकट है, ठीक है क्या है मैं वो दिखाता हूँ। ओवरलैप वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा ये देखना चलेगा, अभी सेलेक्ट किया मैं मॉडिफाई सेंटर पिवोट विंडो सॉरी मेश कॉम्बाइन मॉडिफाई सेंटर पिवोट, अब इधर आओ वर्टेक्स
सेलेक्ट करो सिर्फ पहला वाला, इस वाले सिलेक्शन से। ठीक है, कन्वर्ट टू फेस, टू वर्टेक्स टू फेस। मैं सिलेक्शन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? देखो, ठीक एंड डिलीट, प्रॉब्लम सॉल्व। और फिर ये ओरिजिन वाला उठाओ, ठीक थोड़ा सा इसको और बड़ा करना है कुछ ऐसा। ठीक है, एंड फिर उसके एजेस को सेलेक्ट करना है जो कि ऐसे होगा डेफिनेटली। तो टॉप एंगल से सेलेक्ट कीजिए एज को, कैसे? ऐसा वर्टेक्स मोड में। ठीक सी, दूसरा वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है? परफेक्ट, इस डायरेक्शन में भी। ओ भाई, अभी ऑन किया और थोड़ा बी प्रेस किया और बी को, ओ हाँ, होल्ड करके उसका एरिया थोड़ा छोटा कर, सॉफ्ट बढ़ा के उसके अंदर। ठीक है, ये भी ऑप्शन था। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपको सीधा एक ही वो वर्टेक्स को नीचे लाना पड़ेगा और इसको मैच कराना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे कि अगर ये पहले ऐसे था, मैं बी को ऑफ करूं और सिर्फ उसे नीचे लेकर रहा हूँ, तो उसको मैच कराना उसे थोड़ा सा डेफिनेटली डिफिकल्ट तो है। ठीक है, फिर आप देखो कि किससे आपका मॉडल मैच कर रहा है। ठीक है, टेक्निक आपको यूज करना होगा। ठीक है, ओके, ऑन कीजिए जरा। फाइनली आपका टायर हो गया। रेफरेंस को ऑन कीजिए, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे एक गैप्स है, उसको जरा देखते हैं।
तो गैप आएगा इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं एंड इस लाइन को एंड स्केल और यू, ठीक है। इन शॉर्ट इसे स्केल कर दीजिए, स्केल कर दीजिए। जैसे आप 3 पेस करेंगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, बट उससे पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल बी फ्रैक्शन को कम कीजिए, W3, ये देखो वन, और ये जो अभी मैंने किया है इसे करने के पहले एक स्टेप और है जो आप कर लो, वो है इंसर्टेज, इसके सेंटर में से एक लाइन है एक्सेक्टली, उसको अभी इस डायरेक्शन से भी इसे थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ, नाउ इसमें कंट्रोल बी फ्रैक्शन इतना और सेगमेंट एक ऐड कर दिया W3, और वहां पे एक हार्ड एजेस भी बन गया आपके टायर में। थोड़ा अंदर की तरफ करो उसे, उससे वो बम और क्लियर दिखेगा। सी, ठीक है। आई होप आपको अभी तक कुछ बाउंसर नहीं हो। फिर अभी इसके अंदर का सस्पेंशन बनाना है, सस्पेंशन को ऐसे ऐड करना है, ठीक है। और डेफिनेटली एक व्हील हो गया, व्हील हम लोग कॉपी कर लेंगे, सस्पेंशन भी कॉपी होगा, फिर हम लोग अपर पोर्शन पे जाएंगे, ठीक है। एक एंड दो मेश कॉम्बाइन एडिट डिलीट और बताए हिस्ट्री, ठीक। और ये रहा आपका रिम और ये रहा आपका टायर, तो यहाँ पर आप रिनेम दो टायर, और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे दिखा रहे हैं ना ये फाइल, इसे डिलीट करो, अननेसेसरी है। लेयर डिलीट अनयूज्ड लेयर, इसके रिंग है और इसके रेफरेंस, तो मैं टायर भी इसे ही कर दे रहा हूँ। मॉडिफाई सेंटर पिवोट एडिट डिजिटल बटाई हिस्ट्री, ठीक है। जब भी सेव करना है शेडिंग बाउंडिंग बॉक्स ऐसे सेव करना है, क्यों मैं अभी दिखाता हूँ। जब आप बाउंडिंग बॉक्स में सेव करते हो तो फाइल साइज बहुत कम रहता है, ठीक है। जस्ट इस फाइल और आपको आपका मॉडल वापस अपीयर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये देखो जो हम लोगों का रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग टायर यहाँ अंदर से सस्पेंशन बनेगा, तो ये चीजें कवर होंगी, ठीक है। इसके पहले मैंने जो फोर्थ टायर बनाया था उसका टायर अलग था,
अगर आपने नोटिस किया होगा तो, ठीक है। कंट्रोल जी मॉडिफाई सेंटर पिवोट, और इस ग्रुप का नाम मैं रखूंगा व्हील, ठीक है। चलो ग्रुप कॉपी करना है, उसपे शायद तीन चार एग्जैक्टली चार टायर है, एक्चुअली ये मैं टायर बोल रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। बट बिफोर दैट आपको एक बनाना होगा, वो भी फिनिशिंग के साथ, ठीक है। तो अगर आप एक बना लेते हो तो बाकी आपको थोड़ा इजी रहेगा बनाना, राइट। डिलीट, तो व्हील का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये देखो फ्रंट से कुछ ऐसा है, व्यू से ऐसा है, टॉप से ऐसा है। तो इतना आप लोग पूरा फिनिश कीजिए, ठीक है, विदाउट एनी एरर। एडिट रिकवर टाइप हिस्ट्री, ठीक है। सेव करना है कैसे, जैसे कि मैंने अभी बताया, शेडिंग बाउंडिंग बॉक्स फाइल सेव सीन है, ठीक है। मैं यूजुअली दो बार सेव करता हूँ, अप टू यू, ठीक है। तो आज के लिए ये, ठीक है। तो सो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ, सो आप चीजें कवर कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अंदर का पिस्टन पे और सस्पेंशन पे वर्क करते हैं, ठीक है।